नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान स्टारर फिल्म जो कि टाइगर 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज़ और बस कितना ज़्यादा बना हुआ है और ऑडियंस इस फिल्म को लेके कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज़ और बस तो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी है। हालांकि टाइगर 3 मूवी का जो कि ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, जिसके ट्रेलर को अच्छा खासा प्यार मिला ऑडियंस की तरफ से, और वहीं दोस्तों पब्लिक ने बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से रिव्यू भी दिया। आप लोगों को पता ही चले कि पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत ही प्यारा मिल रहा है टाइगर 3 मूवी को, और 2023 की लास्ट एंडिंग में जो कि टाइगर 3 मूवी जो कि सबसे हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्म बनने वाली है। आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म में आप लोगों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है और स्पाई यूनिवर्स की सबसे जोरदार और धमाकेदार भी फिल्म होने वाली है। आप लोगों को पता ही चले कि टाइगर 3 मूवी जो कि 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई है और सलमान खान ने इस फिल्म में बहुत मेहनत करी है। हालांकि स्पाई यूनिवर्स की सबसे भारी भरकम बजट वाली फिल्म है टाइगर 3 मूवी, और वहीं दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की सबसे धमाकेदार भी फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और साथ ही साथ इस फिल्म में आप लोगों को कैटरीना कैफ भी धमाकेदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आएंगी, और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को इमरान हाशमी भी जोरदार तरीके से एक्शन करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को पता ही चले कि टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस इस कदर बना हुआ है कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग जो कि बहुत सारे जगहों पर हाउसफुल चल रही है। आप लोगों ने सही सुना, इस फिल्म को हैदराबाद में जो कि हाउसफुल है चल रही है एडवांस बुकिंग के मामले में, और वहीं दोस्तों मुंबई में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों मुंबई में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो कि 60 से 70% दिखाई जा रही है, और वहीं आप लोगों को पता ही चले कि वाकई में टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस बहुत ही ज्यादा है। इस फिल्म में आप लोगों को इमरान हाशमी जो कि सलमान खान के अपोजिट नजर आएंगे, यानी कि सलमान खान से फाइट करते हुए नजर आएंगे, और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान का एक दमदार केमियो देखने को मिलने वाला है, और शाहरुख खान का जो कि धमाकेदार एक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी बहुत ही पॉपुलर होने वाली है, और साथ ही साथ इस फिल्म में आप लोगों को ऋतिक रोशन भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स में जो कि ऋतिक रोशन को जो कि प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि वार मूवी जो कि स्पाई यूनिवर्स की ही फिल्म है, अब इस मूवी में जो कि आप लोगों को ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं कि नहीं, यह मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। आप लोगों को पता ही चले कि यह फिल्म अपने पहले ही दिन ये फिल्म धमाकेदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर जो कि कलेक्शन करने वाली है। हालांकि जिस तरीके से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है, और वहीं दोस्तों जिस तरीके से इस फिल्म को विदेशों में भी एडवांस बुकिंग अच्छी खासी हो रही है, यह फिल्म अपने पहले ही दिन जो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और सारे हेटर्स की बोलती बंद करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी अपने पहले दिन कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग लेने वाली है और सारे हेटर्स की बोलती बंद करने वाली है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान स्टारर फिल्म टाइगर 3 मूवी अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।